तो हाँ, तो जी गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज पीके बैक अगेन विद एन अनदर एंड अ लेटेस्ट वीडियो एंड अ न्यू कार ऑन माय चैनल टू यू। आज जो है न्यूली लॉन्च टाटा हैरियर है, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं और कुछ एक्सटर्नल चेंजेस हुए हैं। लेटेस्ट अपडेट है, टाटा हैरियर और टाटा सफारी दोनों ही लॉन्च हुई हैं, तो अभी शोरूम में टाटा हैरियर अवेलेबल है। तो टाटा हैरियर के बारे में थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू, जो जो चेंजेस हुए हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टायर साइज से। देखो टायर तो अभी भी वही हैं, प्रोफाइल वही है, बट अलॉय का जो है कलर चेंज हो गया और अलॉय कुछ इस तरीके के दिखते हैं आप। और इन्होंने अब एक बैजिंग दे दी यहाँ पे हैरियर की, और जो ये कलर है, अब कलर का नाम मुझे नहीं पता, आपको कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे इसके लाइट सेटअप सेम वैसे ही है जैसे पहले हैरियर में आता था, वैसे ही LED, और ये थोड़ा सा इस तरह का ट्रीटमेंट इन्होंने यूज़ किया है। बट एक जो चेंजेस जो अब इस अपडेटेड वर्जन में, वो है 360 कैमरा। यहाँ पे एक कैमरे की प्लेसमेंट मिलेगी आपको, और देख सकते हो कुछ ऐसे से फ्रंट प्रोफाइल। और 360 कैमरे को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक्सटर्नल ORVM पे यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी। सिर्फ एक्सटर्नल ORVM पे जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो पहले की तरह ही देखने को मिलते हैं, सेम ही यहाँ पे हैरियर की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और देखो यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है टाटा हैरियर, इस कलर में कैसी दिख रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल में, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो रियर प्रोफाइल में एज सच कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो, जैसे पहले आती थी सेम वैसे ही आती है अभी भी, बस कलर थोड़ा एक नया इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक हो गया ऑन ऐसा कुछ, और इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, उसको इसे करेंगे बंद हो जाएगा। देखो बंद हो रहा है, वही टाटा का लोगो, सारी चीज़ें, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लैंप, और ये वॉशर वाइपर सब चीज़ सेम वैसी है। शार्क फिन एंटीना, अंदर चलते हैं, पहले रियर प्रोफाइल से बात करेंगे। रियर प्रोफाइल में चलते हैं, इस कलर का जैसे बाहर कलर है वैसा ही ट्रीटमेंट इसमें अंदर दिया गया है। और यहाँ पे आपको एक लेदर की कुशनिंग सी मिल जाएंगी, JBL के स्पीकर ट्विटर। अंदर चलते हैं, वाह भाई, रियर सीट से, यानी कि रियर सीट से कुछ ऐसा व्यू नज़र आएगा आपको। देखो इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसका जो आगे का ट्रीटमेंट डैशबोर्ड का कुछ ऐसा दिया हुआ है। हम फेस में पर 2+1 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, आपको कैसी लगती कमेंट करके ज़रूर बताना। ये कलर कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताना। सेम ये एज इट इज़ जैसे पहले आती थी, बट अब ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग दिया हुआ है, और काफ़ी बड़ी सनरूफ इसमें देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको मैन्युअली सनशेड्स आप ऐसे लगा सकते हो। यहाँ पे LED यानी वाइट वाली लाइट्स दी हैं। अब चलते हैं आगे, सबसे मेन है इसमें स्टेयरिंग देखेंगे कैसा है, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से बात चल रही थी। एक यहाँ पे अब जैसे मेमोरी सीट्स आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आ गई हैं, की बिल्कुल वैसी है, लॉक अनलॉक, और जो ये बूट रिलीज के लिए कुछ ऐसा दिखता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये ऑटोमेटिक है, तो इसका जो है नॉब कुछ इस तरीके से दिखती है, ये आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट, कुछ ऐसा कंसोल नज़र आएगा आपको, और काफ़ी लंबा जो है ये मिलेगा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो भाई ये था एक छोटा सा ओवरव्यू इस नई अपडेटेड वर्जन जो टाटा सफारी और जो आई है टाटा हैरियर। आपको कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।